हेलो गाइस, वेलकम टू मैट फंकास। मैं हूँ बैटमैन और आज हम खेलेंगे डेविल मे क्राई 5 का मिशन नंबर 12 यामाटो। शुरू करते हैं। Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Twin brother? Yeah, Virgil? Dante. यहाँ कुछ कंफ्यूजन शुरू हो गई है। कंफ्यूजन आई गेस ये वर्जिल है, डांटे का भाई, क्योंकि वही ट्विन ब्रदर्स हैं अब तक गेम में जो शुरू से लड़ते आ रहे हैं। और उसने यही कहा है कि हारते हारते थक गया है बंदा। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो ये वही शख्स है जिसने नेरो का to separate man from devil with the strength of the Yamato. Yamato. And eventually, the man became a true devil. Nice. मज़ा तो अब आने लगा है गेम का। I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Mm-hmm. Was this fool before you, right? I'm not your mommy, B. Ooh. Yes, Aita. Oh, family channel. अच्छा, ठीक है. And you need to see this through. Style है लड़की का. Nice, यार. Story ने बहुत अच्छा twist ले लिया है. वाओ यार, इसको फ्रेंच कट ही दे देते बेचारे को, पता नहीं कैसे अजीब गरीब दाढ़ी दे दी। बे बाइक है क्या है? हाँ हाँ That was awesome. इस कटसीन ने तो इसके पिछले पार्ट्स की याद दिला दी। उसमें भी काफी एक्शन होता था। अब तक उस लेवल के कटसीन नहीं आए हैं, लेकिन कटसीन अच्छा था। बहरहाल स्टोरी पे बात करते हैं। तो वर्जल जो यूरेजन है वो एक्चुअली वर्जल है, अब तक तो यही समझ आ रहा है। और उसने अपना जो गुड फॉर्म है उसको अपने अंदर से निकाल दिया और वो सिर्फ डेवल फॉर्म रह गया उसके अंदर, क्योंकि डांटे और वर्जल जो हैं वो मिक्सचर ऑफ
डीमन और ह्यूमन का है। ओह शिट, गेम स्टार्ट हो गई, सॉरी मैं मैसेज देख रहा था। अब ये मत पूछिएगा किसका। तो वी वर्जिल का गुड फॉर्म है ह्यूमन शेप में, और जो यूरिजन है वो वर्जिल का डीमन फॉर्म है बैड शेप। तो वी को मदद चाहिए डांटे की कि वो अपनी फॉर्म में वापस जा सके, यानी बैड एंड गुड मिक्स वापस मिल सके, ईवल और गुड या जो भी है। ये तो आगे पता चलेगा। इसलिए वी कमज़ोर होता जा रहा है क्योंकि वो अपने स्ट्रॉन्ग फॉर्म के साथ अटैच नहीं है, और जो उसका डीमन साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू गुड साइड। नाइस। ये क्या है, पिंजरे में क्यों बैठा है ये? ओह ये वेपन बहुत हैवी है। यानी इससे हम अगर एयर अटैक करना चाहें तो इसके इससे कर सकते हैं। जो लड़ाई या जो फाइट हवा में हम करना चाहें या किसी को एयरबोर्न करके मारना चाहें, लेकिन वो वेपन थोड़ा स्लो है। इससे लड़ने का बड़ा मज़ा आता है, स्पेशली बीच बीच में इसके स्टाइल चेंज करने पे। इसको नहीं पड़ी यार, थोड़ा कॉम्बो ही ऊपर चला जाता। एस रैंक, नाइस। ओह किधर जा रहे हो भाई, बच गए दोबारा से एस रैंक। इसको थोड़े डबल आर्म से ठोकना चाहिए। ये चीज तक तो काफी अच्छी थी फाइट। ऐसे ये है क्या, इससे कुछ मिलेगा? इसकी समझ नहीं अब तक मुझे। ये वापस से रिस्पॉन हो जाते हैं। डबल जंप नहीं करता यहाँ तो इतनी ही लिमिट है। ओके मेरे ख्याल से ये बेसिकली एक ट्रैप्स है, हमारे लिए ट्रैप और डीमंस के लिए शील्ड। ये काउंटडाउन जो चल रहा है ये इसके डबल आर्म्स की एबिलिटी का है, तो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है और वो बढ़ती है लड़ने से। जैसे आपने देखा होगा उसके डेवल आर्म्स रेड हो जाते हैं। पहले चीज़ें कलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बाज़ों का गेम्स में। ओके यूज निडहॉग हैचलिंग, हमारे पास नहीं है। कटसीन आता है और आप उस वीडियो के साथ मतलब कटसीन के बाद आगे बढ़ जाते हैं और पीछे चीज़ें मिस हो जाती हैं। अब हम करेंगे एग्जामिन। नहीं ये रहता है। ओके यहाँ कोई अलग दुनिया जा रही है तो अब एग्जामिन कर लेना चाहिए। You need some blood, huh? Sorry. You wouldn't like mine. Okay, blood चाहिए इसको। एग्जामिन एक्स। ओहो देखते हैं, बड़ा रोल है इसके इस गेम का। एग्जैक्ट स्पॉट पे खड़ा होना पड़ता है। वैसे गेम की स्टोरी ने टोटली एक नया टर्न लिया है
और मजा आने लगा है। अब देखते हैं कि स्टोरी इसी तरह चलेगी या कुछ नए ट्विस्ट आते हैं आगे आगे जाके। That explains how the pools down there get filled. तो ब्लड गटर है लेकिन ब्लड नहीं है इसमें। नीडहॉग मिल गया हमें, तो ब्लड कहाँ से आएगा? आगे कोई रास्ता नहीं है, पीछे के पास ऊपर भी नहीं है। ओके, नीडहॉग पीछे कुछ मिस तो नहीं किया? मुझे लगता है नीचे जाना चाहिए। अब कौन सा रास्ता ठीक है पर कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे से ऊपर ही जाएंगे। देखते हैं। कोई एनिमीज नहीं आ रहे, मिशन बोर हो रहा है। ओह कोई आया। एयर रैंक बहुत अच्छे से बढ़ता है, बहुत तेजी से बढ़ता है, उसके बाद पता नहीं इसको क्या मौत पड़ जाती है। ओह ये आ गया। स्लो वेपन है लेकिन हिट उसकी काफी हार्ड है। शिट, ट्रिक चेंज करने के चक्कर में मैंने गलत मूव कर दिया। ओ ओ ओ भाईजान गुस्सा हो गए हैं। शिट, कॉम्बो तोड़ दिया बगैर था यार, ये तो धोने लग गया मैं। पीछे से मारते हैं इसको। चलो ये तो मर ही गया। मैंने तो अभी रैंक अपग्रेड करना था ये कॉम्बो का। गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंस जाना कहाँ है? उस तरफ तो हम ऑलवेज अपोजिट जाएंगे। ओह अच्छा यहाँ पे कुछ है ही नहीं है ना, ये बगैरत के बच्चे हैं। ओह तो वो उसके पीछे खड़ा हुआ है, अपने लिए उसने ये ट्रैप्स एक्टिवेट किए हुए हैं ताकि हम उसे मार ना पाए, लेकिन वो भूल गया है कि ये टांटे हैं ना कि भी। खत्म, ये कोई बाकी है? ऑर्ब्स रह गए। ऑर्ब्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि अपग्रेड्स बहुत महंगे हैं। कोई हिडन एरिया अब तक तो नहीं मिला हमें। ओके ठीक है। ओह नाइस, दूध की, ओह सॉरी दूध की नदी बोल रहा हूँ मैं, खून की नदी बहा दी हमने। दूध की नदी तो शिनी फरहाद वाला किस्सा है। हम दूध की नहीं, हम खून की नदी बहाएंगे ठाकुर। वेट, ये चार दफा करना है क्योंकि इसके इर्द गिर्द चार ब्लड स्पेस हैं। yep.
कोई ऑर्ब्स कुछ मिस किया हमने? जाना तो उसी तरफ है लेकिन लग रहा है यहाँ कुछ मिसिंग है। खैर आगे बढ़ते हैं। ओपन स्पेस यानी कुछ बैटल होने वाली है। ओ इस गेम में फ्लैश भी है, नाइस। पता चले आखिर में बैटमैन आ जाए। स्टाइल चेक कर भाई का, उंगली से रोका है। फ्यूरी ब्रेक नेक डिटेटर। यार ऐसे मत लड़ो यार, ये गायब होके मत लड़ो, एक जगह टिक जाओ ताकि आराम से लड़ें दोनों। कोई बात नहीं, तुम हमें मारो हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन ये बुजदिलों की तरह लड़ना छोड़ो। वो पिछले मिशन में आपके मामू जान आए थे इस तरह। यार ये कर क्या रहा है? शुक्र है जहन्नम पहुंचा दिया इसे। क्या हम सही जा रहे हैं? ओ देखा, ये हम पीछे वापस आए ना, और ये दूसरी जगह है। हाँ तो वहाँ क्या है? और पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पर्पल रॉब मिल गया। मैं कह रहा था ना कि कुछ फील हो रहा है, कुछ मिसिंग है। लगता है कोई मजीद वगैरह आने वाले हैं इस तरफ। ट्रैप्स तो हैं, आ गए जल्ला जाए। ओ लग गई, कॉम्बो तोड़ दिया। यार इनकी हिट टैकल ही करनी पड़ती है, इनको ब्लॉक क्यों नहीं करता ये? डांटे गए साथ लड़के मजा आ जाता है। ये फाइटिंग स्टाइल स्पेशली डेवल आर्म्स के साथ। शुरू में काफी बोरिंग लग रहे थे डेवल आर्म्स, लेकिन जबरदस्त फाइट करता है। इस डायग्राम से मुझे गॉड ऑफ वॉर के वो हरकुलिस के वो पंच जो लेता है वो याद आ गए। ये वैसे यहाँ पे निजहॉग था, निजहॉग। आई गेस हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे हैं, तो ये वो जो हमने स्किप किया था वो यही है। नहीं यहाँ नहीं, चलो आगे जाके देखते हैं। कुछ नहीं है, मैन आई एम बोर्ड। मी टू। Yeah.
तो ये सिटी है जो तबाह बर्बाद हो चुकी है स्क्लाइपॉथ की वजह से, जो यूरिजन का दरख्त है जिसने आई थिंक आधी दुनिया या पूरी दुनिया या उस सिटी में कब्जा किया हुआ है। पीछे कुछ ऑर्ब्स हैं लेकिन रास्ते का पता नहीं है। यहाँ पे गटर तो बना है लेकिन ब्लड कहाँ से आएगा? ओह ये चीज आ गई, इसके अंदर से कीड़े मकोड़े स्पॉन होते रहते हैं। ये भी आ गया। ओह शिट, फिर से इसको डॉच करना बहुत जरूरी है जो कि मैं कभी करता नहीं हूँ। जबरदस्त मारा है, दिल खुश कर दिया। ओ पड़ गई। शेट, इनको पहले मार दें फिर इसको देखते हैं। ये जो भी घूम रहा है वगैरह, पता नहीं क्या नाम था इसका। मारना मत, बच गए अब तक। इसका आर्मर टूट गया, अब ये गंदे गंदे अटैक शुरू कर देगा। ये अब बंदा इसको मारेगा कैसे? शिट, लग गई, बच गए। मर जा मर जा मर जा, सो जा बेटा। सुला दिया बेटा को। बहुत अनोइंग किस्म का डीमन है। कुछ नहीं पड़ा तो आगे जाते हैं। यहाँ भी कुछ पड़ा है, ऊपर कुछ नहीं है। ओह तो ये वो जगह है जहाँ पे मैं बता रहा था पीछे और रेड ऑर्ब्स हैं। चलो हमसे ये नहीं लग रहा और हम ये गेम खेल लेंगे पूरी। ये वो ब्लड गटर में जाएगा। हाँ ठीक है, एक और अनलॉक कर दिया हमने, लॉक अनलॉक कर दिया। अब तक दो हुए, एक फील्ड है ऑलरेडी तो एक और बाकी है। ओ इधर तो दो दिखा रहा है। Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the pace. Okay. ठीक है भागते हैं फिर। कुछ नजर आ रहा था ऊपर, रास्ता है। बहुत रास्ते सामने हैं लेकिन फिर भी देखने पड़ते हैं, कम से नजर नहीं आते। एक और अपग्रेड ब्लू ऑर्ब। ओह जबरदस्त, वाइटलिटी अपग्रेड हो गई हमारी, इंक्रीज हो गई। ओह तो ये जगह थी, ये था वो ऑर्ब फ्री। एक मूव ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, जो मुझसे कभी होते ही नहीं है।
एनीवेज बाद में चेक करेंगे, आगे जाते हैं। ओ इन्होंने तो मुझे ट्रैप कर दिया। इसका मतलब डेवल हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उससे तो दो तीन पंचेस में टूट जाता है ये ट्रैप। फिर से ट्रैप कर लिया। ये इन भाईजान को पहले, ओ शेट, इसका आर्मर तोड़ देंगे तो आई थिंक फिर ये वो ब्लेड अटैक नहीं करता। ये जो ग्राउंड अटैक्स करता है ना, ग्राउंड स्पाइक्स अटैक्स, इसको पहले मारना चाहिए। वो ये मर गया, वो भी मर गया, कहाँ गया? अच्छा एक दूसरा आ गया, दोनों ट्रैप हो गए। नहीं ये ट्रैप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डबल आर्म से भी वो नहीं टूट रहा। ये चीज़ यार इतना जल्दी मर जाते हैं, कॉम्बो भी नहीं बनाने देते हैं श्रैंक। ओ भाग जा, फजूल के ट्रैप में पड़ जाएंगे। ओ एक और आ गया, आई होप ये लास्ट हो। गोल्ड और पड़ा है वहां, जिसकी अभी तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। और फिल करना है या एक तो ऑलरेडी फिल्ड था, आई गेस पूरे हो गए, अब इसको खुल जाना चाहिए। जबरदस्त पूरा खुल गया। ओह मिल गया नीडहॉग। महीने से तो सोया पड़ा था, ब्रेन कहाँ से यूज करेगा। तो नीड हो की हमें जरूरत क्या, क्योंकि वो एरिया तो हम विजिट कर चुके हैं। फिलहाल ब्लू और गोल्ड और ले लेते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज। ओ सॉरी गेम बाकी है अभी। यहाँ लकड़ियाँ क्यों लगाई हुई हैं? ये बाकी गेमों में ऐसे होता है तो लकड़ियों पे जंप पे मार के जाना पड़ता है, तो यहाँ पे तो ये जंप्स कर नहीं सकते हम। पहुंच गए इस एरिया से, हम लोग ऑलरेडी गुजर चुके हैं, यहाँ से हम आए थे, तो टाइम जाया नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। नीड हॉग वहाँ है, तो अगर हम ऊपर से जाते तो हमें नीचे जाना पड़ता और फिर ऊपर आना पड़ता, तो नीचे से जाना ज़्यादा बेहतर था। एग्जैक्टली वही एरिया जहाँ से हम गुजरे थे, गलत रास्ता वापस। तो ये एरिया तो जैसे जैसे टूम रेडर में था, बड़ी बड़ी सीरिया, अंडरग्राउंड एरिया। Bring you back where red markings. I think secret mission. नहीं ये हम गलत जा रहे हैं, पीछे देखें, पीछे कोई जगह है। ओह नाइस मिल गई, सीक्रेट मिशन स्पॉट मिल गया। ओहो कहाँ गया? स्टार्ट मिशन। मिशन ये है कि 15 सेकेंड हमें हवा में रहना है, तो आई थिंक इसके लिए
वो बाइक शॉर्ट्स जो हैं वो का काम आएंगे, क्योंकि जैसे मिशन के शुरू में हमने ट्राई किया था उससे काफ़ी देर तक हम हवा में रह पा रहे थे। ओ ये क्या था, बहुत ही स्टूपिड तरीका था फेल होने का। दोबारा ट्राई करते हैं। जंप जंप, ओ शिट, हाथ नहीं बैठ रहा। दोबारा ट्राई करते हैं। ओके यूज़ तो हमें ये करना है। ओह शिट, क्यों वेपन चेंज कर दिया मैंने। तीन से चार दफा फेल हो चुके हैं, अब तो हो जा। ओके मोशन पकड़ लिया हमने, अब देखते हैं कितने सेकंड हुए, 9 सेकंड, और हम नीचे जाते जा रहे हैं। ये तो हम कैसे हो जाएंगे, इसको मारना शुरू कर देते हैं। ओ जबरदस्त, बहुत क्लोज था लेकिन हो गया। चैलेंज ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस पता होना चाहिए कि मूवमेंट क्या करनी है। शुरू में काफ़ी सीक्रेट मिशन हमने मिस किए क्योंकि उन पे हमारा ध्यान नहीं था। ओके तो मसला नहीं है, ये ब्लैक स्क्रीन हमेशा के लिए रहेगी। गेम एंड हो गई है, चलो अल्लाह हाफिज़। ओह दोबारा शुरू हो गई। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मिशन के एंडिंग के करीब है इस वक्त, कुछ और रहता है। सीक्रेट मिशन हो गया, ब्लू ऑर्ब हो गया, गोल्डन ऑर्ब भी मिल चुका है, पर्पल ऑर्ब भी मिल चुका है, तो दूध की नहरें तो यहाँ बह रही हैं, श्री फरहाद वाली, लगता है वो भी यहीं से गुजरे हैं। अपग्रेड आ गए, तो यहाँ मैं कुछ अपग्रेड्स कर लूँ अपनी चॉइस के। अपग्रेड्स मैंने ले कर लिया है, कुछ खास था नहीं लेने को। जगह काफी ओपन है लेकिन कोई डेमन्स फाइट नहीं है, तो ये भी अपने घर आ गया जहाँ पे वी गया था। वी, ओ वी स्टैंड्स फॉर वर्जिल, नाइस। ये हमें पहले ने क्यों नहीं पकड़ा। ये तब से इसका पीछा कर रहा था। Demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy. Kill yourself later. I'll help. If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Man from devil. अच्छा वो ये माटो उसकी सॉर्ड है। Absorbing the Sparta. आई गेस अब ये जाएगा यहाँ से नीरा को रेस्क्यू करने। बहुत ही भयानक शक्ल बनाई है इसकी।
ओ सुपरमैन भी बन गया है तो गेम स्किप क्यों कर रही है? शिट, नीरो तो मर गया है। तो आके हेल्प करना विन के बच्चे। डेविल सॉल्ट डांटे न्यू लेजेंडरी डेविल सॉल्ट। अच्छा हुआ इसकी शॉर्ट चेंज हो गई है। वो स्पार्टा तो बहुत ही बकवास किस्म की शॉर्ट थी, इसके डिज़ाइन बहुत बकवास था। ये फिर भी कुछ शॉर्ट शॉर्ट लग रही है, वो तो स्क्रू ड्राइवर लग रही थी। डेविल शॉर्ट टॉन्टे डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी, बहुत लंबी कहानी लिखी है उन्होंने पढ़ने के लिए। सर्विस कमेंट लग रही है मुझे ये। ओ नाइस, डेवल फॉर्म में लड़ेंगे। तो हमें डेवल एबिलिटी मिल गई है, डेवल ट्रिगर। तो अब हम डेवल फॉर्म एक्टिवेट कर सकते हैं डांटे की। एक और ट्यूटोरियल है, ओके होल्ड L1 से। ठीक है, हेल्पफुल है, देखते हैं। ओ, क्या कर रही है अब? जब तक हमारी बार फुल नहीं होगी तब तक हम वापस से डेवल फॉर्म में नहीं जा सकते। यार ये जो इसकी शील्ड है ना, ये बहुत सरदर्द है। इस वक्त ट्रिक्सर काम आ रही है क्योंकि ये इवेड बहुत अच्छा करता है ट्रिक्सर मोड में। डेवल ट्रिगर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, एक दफ़ा कंप्लीट हो जाए फिर इसको हम लोग इसकी नानी का दूध भी याद दिलाते हैं। ये क्या करने वाला है? ओ ये लग रहा है डेवल ट्रिगर कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ। ओ, ओ, ओ। इसकी शील्ड टूट जाए तो फिर एक्टिवेट करते हैं ताकि। ओ शिट, ज़्यादा हार्ड नहीं है बॉस, तीन चार मूव्स हैं बस अगर आइडिया हो जाए। ट्रैवल टिकट अब कंप्लीट हुआ हमारा, ओके अब फॉर्म चेंज कर ली। आ जा बेटा। ओ उसकी हेल्थ कैसे जा रही है? नाइस, कॉम्बो भी एकदम से बड़ा है, सीधा एस रैंक। वाव, It has begun.
What has begun? वो ये क्लाइव बहुत कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ एक दरख्त टाइप था, अब तो इसके इर्द गिर्द शाखें इसकी गहरी हो गई हैं, फैल गई हैं। तो वही दिखाया जा रहा है, मजीद तबाही की तरफ जा रही है दुनिया। तो मर जा यार, तो किसी काम का नहीं है। ऐसे इन्होंने गुड फॉर्म को बहुत कमजोर क्यों दिखाया है? लाइफ बहुत और स्ट्रॉन्ग हो गया है। रोड ब्लॉक तूने की हुई, इनकन्वीनियंस होगा। शेट, कहाँ गया वो? तो इसके साथ मिशन एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और घंटे पे घंटा दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको स्टोरी की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर।